स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। एक नया चैप्टर है और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। आज के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट हो, कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो, जो लोग इंजीनियरिंग करने के लिए सोचते हैं, और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, सब लोगों को सेमीकंडक्टर ही बेसिक चैप्टर है, बेसिक फाउंडेशन है, जहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुआ। इसलिए ये चैप्टर बिल्कुल कोर में है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है, बेस में है, और इसको जानना बहुत इंटरेस्टिंग और ज़रूरी भी है। चलो, सेमीकंडक्टर में क्या क्या पढ़ना है स्टार्टिंग से हम लोग ज़रा देखें कि क्या क्या इसमें हम लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा तुम्हें एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या देखना होगा? एनर्जी बैंड डायग्राम। सो एनर्जी बैंड डायग्राम तुमने केमिस्ट्री में भी नाम सुना होगा, एनर्जी बैंड डायग्राम। फिर हम लोग देखेंगे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा वो समझेंगे। फिर इससे बनेगा, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर से ही बनता है पीएन जंक्शन, आल्सो नोन एज डायोड। तो डायोड और उसका बैरियर वोल्टेज किस तरह से बना है, इसके मैकेनिज्म को ये समझने पड़ेंगे। बैरियर वोल्टेज जानेंगे, नी वोल्टेज जानेंगे डायोड का, और तब फिर हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड। डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग करें, रिवर्स बायसिंग करें, और साथ में देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी आता है ये सब। फिर हम लोग देखेंगे डायोड का यूज, यूज ऑफ डायोड एज रेक्टिफायर। दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, कौन कौन भाई? तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो इन रेक्टिफायर का क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये काम कर रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे डायोड का यूज करके, ठीक है। फिर हम लोग और डिफरेंट टाइप के डायोड का डिटेल पढ़ने हैं, जिसमें फोटो डायोड हमें जानना होगा, ये कैसे वर्क कर रहा है, इसका क्या ये क्या यूटिलिटी है। फिर सोलर सेल, ये भी एक डायोड है, उसको भी हम लोगों को वर्किंग समझना पड़ेगा। और लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइट इमिटिंग डायोड, फिर ये हम लोग देखेंगे। तो अभी एक एक करके हम लोग देखना शुरू करें, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोगों को कहाँ से भाई? तो स्टार्ट करना पड़ेगा एनर्जी बैंड डायग्राम से। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। जिसको लिखना चाहो जरूर लिखना चाहिए, फर्स्ट पेज पे जरूर इसको लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंट्रोडक्टरी बात सबसे पहले, इंट्रोडक्टरी बात, तो इंट्रोडक्टरी बात क्या है भाई? तो ये है कि इसके पहले जब सेमीकंडक्टर आया, टेक्नोलॉजी जो आया, ज़्यादा ये पहले का डेवलपमेंट नहीं है, ये सब रिसेंट 30-40 ईयर्स का डेवलपमेंट है। तो जब सेमीकंडक्टर आया, तो उससे पहले वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी था। क्या था ये? पहले वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी था, लेकिन ये इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डिमेरिट थे। इनका साइज बहुत बड़ा होता था और इसमें फंक्शन यानी कि फैसिलिटीज बहुत कम मिलते थे आपको। फॉर एग्जांपल, एक हमें कैलकुलेटर बनाना हो तो बिल्डिंग इतना बड़ा साइज, कंप्यूटर बनाना हो बिल्डिंग इतना बड़ा साइज हो, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, और उसमें तुम्हारे पास ऑप्शंस भी बहुत कम मिलते थे, लेकिन जमाना पुराना था। और वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते थे, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंट्रोल मैनर में, सेमीकंडक्टर में भी यही काम होगा, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट ही है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी में भी इलेक्ट्रॉन का हम लोग कंट्रोल वे में फ्लो कराते थे, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन करवाते थे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी में, वो इमिशन होता था थर्मियोनिक इमिशन। क्या होता था इसमें? थर्मियोनिक इमिशन होता था, मतलब पहले जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को पहले निकालेंगे, बाद में उसको कंट्रोल वे में फ्लो कराएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम थर्मियोनिक एमिशन, मीन्स थर्मल एनर्जी डेवलप करो फिलामेंट के थ्रू। जब थर्मल एनर्जी, दैट इज करंट, जब पास होगा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होने से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज पड़ेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका हम लोग फिर कंट्रोल वे में हम लोग करना चाहेंगे, इससे हम लोग डायोड बनाएं या ट्रांजिस्टर बनाएं, ये सब हम लोग काम करते थे। लेकिन ये सारे टेक्नोलॉजीज हैं वो बदल गए, वो टेक्नोलॉजी बदल गए, साइज बहुत लार्ज होने लग गया, और इसके बदले में जब हमारा सेमीकंडक्टिंग जब टेक्नोलॉजी डेवलप होने लग गया, हम लोगों को जब पता लगा कि ऐसा भी बिहेवियर है, ऐसा मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा, डेट इज इन बिटवीन द टूज कंडक्टर एंड इंसुलेटर बिहेवियर है, और उसमें भी हम लोग कंट्रोल वे में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा सकते हैं, तो हम लोग
सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़े और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे पास आ गए और जो काम बड़े बड़े साइज में करते थे, कंप्यूटर जो बिल्डिंग इतना बड़ा होता था, वो क्या हो गया, छोटे साइज में आ गया, डेस्कटॉप पे आ गया। फिर उसके बाद और ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जब और एडवांस हुआ तो आईसीज बने, इंटीग्रेटेड सर्किट बने, छोटे छोटे सेमीकंडक्टिंग चिप पे बड़े बड़े फंक्शन इंटीग्रेट करके डाले गए। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट करके छोटे से चिप में लगा लिया, चाहे वो कैलकुलेटर में यूज हो, ट्रांजिस्टर में यूज हो, टीवी में यूज हो, बहुत जगह आईसी का आजकल कोई डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम हो, बहुत सारे यूज आ गए। और जो साइजेस हो गए अब वो बहुत रिड्यूस होके वेरी वेरी स्मॉल हो गए। डेस्कटॉप अब क्या बन गए, तो और स्मॉल बन गए, लैपटॉप बन गए, लैपटॉप से पाम टॉप बन गए, और अब मोबाइल में ही सारे फैसिलिटीज आप अवेल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम लोग का कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो आप देख ही रहे हो। लेकिन स्टार्ट हुआ था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया सेमीकंडक्टिंग टेक्नोलॉजी, तो ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा ये आइडिया आपको जानना जरूरी था। सो पढ़ो इसमें इंट्रोडक्टरी बात क्या है, तो डिवाइस इन विच ए कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जितने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डायोड, ट्रांजिस्टर और बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं, फ्लिप फ्लॉप है, एडर है, सबट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, रेक्टिफायर है, ट्रांजिस्टर है, बहुत सारे चीज़ हैं। चलो कोई बात नहीं, इतने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उन सबका बेसिक में क्या है, सेमीकंडक्टर, जिसमें कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, अर्लियर पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज ऑब्टेन्ड विद हेल्प ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया थर्मियोनिक एमिशन पे हमें इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते थे। हाउएवर नाउएडेज अब क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस हैव ऑल टुगेदर रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो गया किससे भाई, तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से, सेमीकंडक्टर्स से रिप्लेस हो गया। इसलिए अब इसका हम लोग स्टडी करते हैं और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है आपके लाइफ में 12th क्लास में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे चलें। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है, तो देखो भाई, जब एटम्स किसी सॉलिड में, ये सॉलिड कुछ भी हो, कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, कुछ भी हो, सॉलिड है, इनमें एटम्स होते हैं, एटम्स। और एटम्स अगर हम लोग ज्यादा डिस्टेंस पे समझे, जो एक्चुअल सेपरेशन मान लो इसका आर नॉट होता है, अगर मान लो आर नॉट सेपरेशन है किसी सॉलिड में बड़े सारे एटम्स हैं, चलो बहुत सारे एटम्स हैं, उसका मैं ये कहूँ कि एटम्स रेगुलरली स्पेस्ड होते हैं भाई सॉलिड में। एटम्स क्या होते हैं, रेगुलरली स्पेस्ड होते हैं, और इसमें सेपरेशन मान लो आर नॉट सेपरेशन है, जो कि जनरली इस सॉलिड में चाहिए, आर नॉट सेपरेशन पे ये स्टेबल होके रहता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे, बैंड डायग्राम जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि जब एटम और दूसरा एटम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे था, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे था, जब लार्ज डिस्टेंस पे होंगे तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो सेल और सब सेल्स में इसमें होंगे, उनके एनर्जी लेवल अलग अलग है भाई, ये जानते हो, ज्यादा एनर्जी लेवल का होता है, एटम में पड़ा था, जितना ज्यादा ऊपर चलते जाओ, जितना ज्यादा ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते जाओ, उतना ही हमारा एनर्जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। लोएस्ट एनर्जी क्या है भाई, ग्राउंड स्टेट में कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। और दूसरे के लिए क्या होगा, तो इस बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं Z²/N² होता है, एन है ऑर्बिट नंबर। चलो कोई बात नहीं, ये आप सब समझते हो, जब हमारा सॉलिड में एटम बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हो तो क्या होगा, और एटम जब हमारा सेपरेशन जो आर नॉट होता है एक्चुअल में वो आर नॉट सेपरेशन पे होगा तो क्या होगा, इसमें हम लोग देखना चाहते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, जब एटम में सेपरेशन क्या हो, वेरी वेरी लार्ज हो, जब ये वेरी वेरी लार्जर देन एक्चुअल सेपरेशन है तब की बात है, और एक है एक्चुअल सेपरेशन में। तो इसके लिए क्या किया हम लोगों ने, चलो इसका एनालिसिस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने सबसे पहले ऑब्टेन किया। फॉर एग्जांपल मान लो सिलिकन है, ठीक है, सिलिकन है, इतने एटॉमिक नंबर होते हैं, मींस कितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है भाई। तो अब जरा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो वो क्या होगा, तो 1s2
2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2, ठीक है, 4 और ये 14 हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ देख रहे हो ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये सेकंड ऑर्बिट में है, और ये थर्ड ऑर्बिट में हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सब इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हम लोगों ने डिफरेंट सेल और सब सेल में हम लोगों ने देख लिया कि ये सिलिकॉन का किस तरह से है, सिलिकॉन हो या कोई और भी हो। तो फिलहाल हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए सिलिकॉन का एग्जांपल ले लिया, चलो कोई बात नहीं है। अब जरा हम लोग इधर देखें एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं भाई। तो हम लोग प्लॉट करने के लिए चलो इसको सीखते हैं भाई कि कैसे प्लॉट कर पाएंगे। तो अगर हम लोग एनर्जी एक तरफ दिखाएं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे दिखाएं हम लोग सेपरेशन, ठीक है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन, ये दिखाएं, ठीक है, इस तरह से दिखाना चाहते हैं। अब यहां पे देखोगे कि 1s2 का एनर्जी बहुत कम होता है, 1s2 का दिखाया, 2s2 का दिखाया, 2p6 का दिखाया, एनर्जी लेवल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इस तरह से दिखाया, 1s2 2s2 2p6 3s2 दिखाया एंड 3p2 दिखाया, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं भाई? 2 हैं। इसमें कितने हैं? 2 हैं। इसमें कितने हैं भाई? 6 हैं। इसमें कितने हैं? 2 हैं, और इसमें भी 2 हैं। जिनमें से ये वाला थर्ड ऑर्बिट का है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जरा ये हम लोगों ने जो एनर्जी लेवल दिखाया, ध्यान देना, अब ये जो एनर्जी दिखाए हैं ये आइसोलेटेड एटम में, ये बोलते हैं इसको आइसोलेटेड एटम, क्यों भाई? इसके आसपास और कोई एटम नहीं है जो इसके इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करे, ये भी क्या है भाई? आइसोलेटेड एटम है। तो जब दो आइसोलेटेड एटम हो, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में एनर्जी लेवल जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ये सारे एनर्जी लेवल जो हैं वो अलग अलग हैं, डिस्क्रीट हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल हैं। दो इलेक्ट्रॉन इसमें हैं भाई, ठीक है भाई, दो इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, ठीक है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें भाई, कोई बात नहीं है। और हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, इस तरह से ये आइसोलेटेड एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल अपने अपने डिफरेंट एनर्जी लेवल के साथ हैं। लेकिन अब ये जैसे ही एटम का अगर सेपरेशन कम होने लग जाए, तो इमेजिन करो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये पास आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे। अभी तो ये वाला जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट करेगा। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है ये सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और दूसरा एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड एटम। ये हैं तब ये हाल है, ठीक है भाई। और अगर हमारा ये आइसोलेशन अब खत्म हो, मींस पास आए तो अब तक तो ये अपने ही पे फोर्स लगाता था, जब ये पास आने लग जाएगा तो ये वाला इस पे फोर्स लगाने लग जाएगा, और ये वाला जो है न्यूक्लियस है ये भी इस पे फोर्स लगाने लगेगा जब पास में आ जाए। मान लो पास में आ जाए तो क्या होगा भाई? तो पास में आ जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये वाला अपने पे तो फोर्स लगा रहा है, ये कुछ इन पे भी फोर्स लगाने लग जाएगा, ये वाला जो अपने पे लगा रहा है वो कुछ इन पे भी फोर्स लगाने लग जाएगा, इस तरह से क्या होगा? इसके जो आउटर लेवल जो है इलेक्ट्रॉन्स वो इसके भी इन्फ्लुएंस में रहेंगे, कुछ इसके भी इन्फ्लुएंस में रहेंगे, एक्चुअल सेपरेशन जो होता है। तो अभी ये आइसोलेटेड है, ऐसा कंडीशन में क्या है? ये आइसोलेटेड है, सेपरेशन बहुत ज्यादा है, इसमें सेपरेशन एक्चुअल सेपरेशन से बहुत ज्यादा है, इसलिए आइसोलेटेड एटम्स है। इधर आर ही दिखा रहे हैं इंटर एटॉमिक सेपरेशन। अगर इंटर एटॉमिक सेपरेशन जब कम होने लगता है तो इनमें एनर्जी लेवल में मॉडिफिकेशन होता है। किसके एनर्जी लेवल में मॉडिफिकेशन होता है भाई? तो ये जो अंदर वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स से, मींस फर्स्ट ऑर्बिट के जो हैं उनमें नहीं होता, सेकंड ऑर्बिट में इनमें नहीं होता मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये इनर ऑर्बिट्स में हैं, ये तो छुपे हुए हैं। जो आउटर होंगे इस पे इसका इन्फ्लुएंस होगा, जो इसका आउटर है उस पे इसका इन्फ्लुएंस होगा। सो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें मॉडिफिकेशन होता है। और जो ये एनर्जी लेवल जब ये आइसोलेटेड थे, अब जब इंटर एटॉमिक सेपरेशन और कम किया जाए एक्चुअल सेपरेशन, मान लो ये है आर नॉट पे, आर नॉट वाला जो सेपरेशन था वो ये कंडीशन में जब आए तब, ये जानना चाहते हैं।
तो जब एक्चुअल सेपरेशन में आते हैं तो अंदर के एनर्जी लेवल तो हमारा वही के वही रहेंगे, डिस्क्रीट मेंटेन रहेंगे, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एनर्जी हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एनर्जी हैं, उनमें मॉडिफिकेशन होगा। और उनमें क्या मॉडिफिकेशन होगा भाई, तो जब ये एक्चुअल सेपरेशन की तरफ आने लगते हैं तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी का मॉडिफिकेशन होता है। और इस तरह से ये जो एनर्जी लेवल थे, ये जो एनर्जी लेवल था, ये जो एनर्जी लेवल था, इनमें मॉडिफिकेशन होता है। और जब और पास लाओगे एटम्स को, और पास लाओगे तो और मॉडिफिकेशन बढ़ेगा, किस में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू करेंगे, मींस दूसरे न्यूक्लियस भी, दूसरे एटम के न्यूक्लियस भी फोर्स लगाना शुरू करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में एनर्जी का मॉडिफिकेशन होना शुरू होता है और ये दोनों जो हैं, दोनों एनर्जी लेवल जो है वो मैच कर जाते हैं। दोनों एनर्जी लेवल क्या हो जाते हैं, थोड़े डिस्टेंस जब रहते हैं एक्चुअल वाले से थोड़ा ज्यादा रहता है, तो इन कंडीशन में इनका मैचिंग हो जाता है। इस कंडीशन में मैचिंग हो जाता है, मींस ये वाला दो इलेक्ट्रॉन जो थे इसमें, वो यहाँ कहाँ है वो उनको नहीं पता, मीन्स इनमें ये कहीं भी हो सकते हैं। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें कहीं भी हो सकते हैं, ये पूरा जो है वो एनर्जी लेवल इनके लिए अवेलेबल हो जाता है। एक्चुअल में ये मर्ज हो जाते हैं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। और जब और पास लाओगे, और पास लाओगे तो इन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास दो ऑप्शन बचते हैं। इनके पास क्या होता है, दो ऑप्शन बचते हैं। दो ऑप्शन क्या बचते हैं भाई, तो दो ऑप्शन ये बचते हैं कि चाहे तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ओनली टू ऑप्शंस आर अवेलेबल, चाहे तो पार्टिसिपेट करो बॉन्डिंग में या तो फ्री रहो। चाहे तो पार्टिसिपेट करो बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो बाउंड होके उसी बॉन्ड के साथ आपको रहने पड़ेंगे, पूरे उम्र में रहने पड़ेंगे, समझो। मींस एक्चुअल एनर्जी लेवल जो आता है उस कंडीशन में, एक्चुअल जो सेपरेशन जो आता है उस कंडीशन में दो ही एनर्जी लेवल अवेलेबल होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है वैलेंस बैंड। जो लोअर एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स है, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉट टू ऑप्शंस, इधर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग एंड बी अ पार्ट ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स, और यू मे बी फ्री। अगर ज्यादा आप एनर्जेटिक हैं तो ज्यादा जो एनर्जेटिक वाले होते हैं वो ऑप्शन ये वाला लेते हैं कि समझो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, तो इनको कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जो हायर एनर्जी वाले होते हैं इनमें से, मींस जो दो इलेक्ट्रॉन आए, जो दो इलेक्ट्रॉन इसका आए और दो इलेक्ट्रॉन इसका है, तो दोनों कहाँ है वो कुछ नहीं पता, सारे एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट एक हो गए, तो अब ये सब इधर उधर मिक्स हो गया। तो ये नहीं कह सकते कि ये ऊपर वाला जो है ये इसके हैं और ये नीचे वाले जो है ये वो इसके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा एनर्जी लेवल जो है वो मॉडिफाइड हो चुका है, कोई कहीं भी जा चुका है। हाँ, अब इनमें से जो ज्यादा एनर्जी लेवल वाले होंगे वो अपने आप बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी बॉन्ड के साथ वो फंसेंगे नहीं, तो वो यहाँ पे बन जाएंगे, मीन्स वो वैलेंस बैंड के पार्ट बन जाएंगे। और जो हमारे फ्री होंगे वो हमारे कंडक्शन बैंड के पार्ट हो जाएंगे, जो हमारे ज्यादा फ्री होंगे वो हमारे कंडक्शन बैंड के पार्ट हो जाएंगे। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये चारों इसमें भी आ सकते हैं, चारों इसमें भी जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चारों के पास, ऑप्शन है चाहे इसमें है चाहे इसमें है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन के किस कंडीशन, कैसा कंडीशन बन रहा है और ये सॉलिड कैसा है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है कि सेमी कंडक्टर है, उस हिसाब से इसमें, और क्या टेम्परेचर है उस हिसाब से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल हैव टू ऑप्शंस, क्या क्या भाई, तो चाहे तो कंडक्शन बैंड में आ जाओ या तो फिर वैलेंस बैंड में रहो, ये अब मर्जी है, ये इनके एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फाइनली जो हम लोगों का एनर्जी बैंड डायग्राम समझो वो इस तरह का बना, और इन दोनों के एनर्जी गैप में, एनर्जी में जो गैप बनता है, ये देखो ये एनर्जी लेवल था पहले डिस्क्रीट था, पहले क्या था भाई, तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल थे जब सेपरेशन ज्यादा था, तो अब सेपरेशन जब एक्चुअल सेपरेशन वाला कंडीशन में आते हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा और चेंजेज होते हैं, ठीक है। एक्चुअल कंडीशन में जब आते हैं तो उस कंडीशन में ये है, समझो कि एक्चुअल सेपरेशन वाला कंडीशन ये है एक्चुअल सेपरेशन आर नॉट, तो जिसमें ये दोनों के बीच में कुछ एनर्जी गैप है, कुछ क्या है भाई, तो एनर्जी गैप है। ये जो एनर्जी गैप है इसको हम लोग बोलते हैं, इस एनर्जी गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईजी क्या है भाई, तो ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी और ये गैप होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप।
क्या है ये? फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इजी से रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली इसको क्या बोलते हैं? बैंड गैप बोलते हैं, बैंड गैप बोलते हैं। मींस एट एक्चुअल सेपरेशन क्रिस्टलिन सॉलिड के में जो एक्चुअल इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, इस कंडीशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव ओनली टू ऑप्शन। इस तरह के कंडीशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ओनली टू ऑप्शन। और ये क्यों मॉडिफाइड हुआ? ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वन अनदर। एटम जो है वो इतने पास आने से एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को, एनर्जी लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं। वैलेंस बैंड वाले जो मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, इनके एनर्जी लेवल में इन्फ्लुएंस करते हैं। और हमें जब एक्चुअल सेपरेशन से थोड़ा ज्यादा होता है तभी हमारा इनमें इस तरह से मिक्सिंग होता है कि हमें ये नहीं पता लगेगा कि एनर्जी कौन सा एनर्जी कम है, कौन सा एनर्जी, मीन्स एनर्जी मॉडिफाइड हो जाता है, एनर्जी मिक्सिंग हो जाता है। और इस कंडीशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन कहाँ है इसका कोई पता नहीं। बट एक्चुअल सेपरेशन जहाँ होता है, जहाँ पे एक्चुअल सेपरेशन होता है, एटम एटम में एक्चुअल सेपरेशन वाले पोजीशन में हम लोगों के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, इधर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग एंड बी ए पार्ट ऑफ वैलेंस बैंड, और यू बिकम फ्री, फ्री फॉर कंडक्शन। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए फटाफट फ्री हो, फटाफट मूव करने लग जाओ और करंट एस्टेब्लिश करो। तो अगर ऐसा बनते हो, एनर्जेटिक बनते हो, तो उस कंडीशन में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम फ्री ही रहो और वेट करते रहो, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिले भागना शुरू कर दो, तो कंडक्शन बैंड बनता है। इट मीन्स दो तरह के क्लोजली स्पेस्ड जो हमारे डिस्क्रीट बहुत सारे क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी बैंड मिलेंगे। एनर्जी बैंड, बैंड इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल से यहाँ मिलेंगे, वो बैंड है कंडक्शन बैंड और इधर है वैलेंस बैंड। ठीक है, इन दोनों के बीच के गैप को, मींस मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड के बीच के गैप को क्या बोला? फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला। ये बैंड गैप कितना बड़ा होगा वही डिसाइड करेगा कि ये सॉलिड कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। कौन डिसाइड करेगा? वैल्यू ऑफ द बैंड गैप। कौन सा बैंड गैप? जो एक्चुअल सेपरेशन ऑफ एटम्स के कंडीशन में जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑप्शंस होते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इन दोनों में जो एनर्जी गैप है, गैप गैप है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ, देखो भाई कोई सिलिकन है, मान लो सिलिकन है, तो इसके पास चार हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली ये सराउंडेड होता है फोर अदर सिलिकन से, इसके पास भी भाई फोर रहते हैं, इसके पास भी फोर हैं, इसके पास भी फोर हैं, इस तरह से सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फोर फोर हैं। अब इनका ऑक्टेट कैसे पूरा होता है भाई? तो ऑक्टेट पूरा होता है कैसे? तो ऑक्टेट पूरा होता है ऐसे। फोर तो इसका अपना था, फोर तो इसका अपना था, फोर नेबरिंग से लिया इसने, ऐसे करके नेबरिंग से लिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है भाई, सिमिलरली इसके भी सराउंडिंग में चार हैं, चार इसका अपना है और बाकी फोर ले लिया, तो टोटल एट इसके भी हो गया। तो ये एट एट ऑक्टेट पूरा करने का क्लेम करता है और इस तरह से ये रहता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में इस तरह से ऑक्टेट पूरे होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब ये ज्यादा पास पास आएंगे एटम एटम, जब ज्यादा क्लोज आते हैं, तो उस कंडीशन में मॉडिफिकेशन होता है किसमें? एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मॉडिफाइड होकर के एक्चुअल क्रिस्टलिन सॉलिड में वी हैव ओनली टू ऑप्शन फॉर वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, इधर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग और बी ए पार्ट ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड में रहो, उसे रहो, ऑक्टेट पूरा करने में उसमें कंट्रीब्यूशन दो, या तो फ्री हो जाओ कंडक्शन बैंड में। दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, एंड द वैल्यू ऑफ बैंड गैप विल डिसाइड टाइप ऑफ सॉलिड, इंसुलेटर है कि कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है। क्लियर है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम हुआ। ठीक है, हम लोग इधर का पार्ट को फर्स्ट टाइम समझने टाइम में तुमने दिखा दिया, इधर का पार्ट को नहीं दिखाते हैं। हम लोग कहाँ का पार्ट को दिखाते हैं? अगर तुम्हें पी टाइप, एन टाइप या किसी का भी अगर हमें बैंड डायग्राम दिखाना होगा, तो सिर्फ इतने पार्ट को ही दिखाते हैं, सिर्फ इधर वाले पार्ट को दिखाते हैं, वो भी नीचे वाले पार्ट नहीं दिखाते हैं, ये दिखाते हैं बस। एक ये वाला बैंड दिखाते हैं, एक ये बैंड दिखाते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ज्यादा एनर्जी वाला क्या होता है? कंडक्शन बैंड, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए फ्री होते हैं, कम एनर्जी वाले बॉन्ड में बेचारे फंस जाते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, वो वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं। ये जो ग्राफ दिखाया गया, तो इधर वाई एक्सिस पे क्या है? तो एनर्जी है, डिफरेंट सेल्स एंड सब सेल्स के क्या है? ये एनर्जी है। और ये एनर्जी में जो लोअर वाले हैं, इनर वाले हैं, उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, 1s2 जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है, 2s2 जैसे था वैसे ही रहेगा, 2p6 जैसे था वैसे ही रहेगा। जो वैलेंस वाले हैं वही हमारे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल में मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि जो आउटर वाले होते हैं उन्हीं पे तो फोर्स लगता है, उन्हीं पे दूसरे एटम फोर्स लगाएंगे और उनके एनर्जी लेवल को मॉडिफाई करेंगे, उनके एनर्जी लेवल को मॉडिफाई करके इस तरह से
स्टेबलिश होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक तो क्लियर है, लिखना चाहोगे लिख भी सकते हो पॉज लगा करके या बैठ जा करके। चलो एनर्जी बैंड के बारे में क्या है बुकिश इन्फॉर्मेशन जरा वो भी हम लोग देखेंगे, तो समझ चुके हो डिस्कशन में, तो इसलिए ये आप क्लियरली जान सकते हो क्या है, तो जरा पढ़ा जाए इसको, पढ़ा जाए। देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली द इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम हैव सर्टेन डिफिनेट डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सेल्स एंड सबसेल्स, तो वो तो होते ही है। इट मीन्स दैट देर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम मतलब एक यहाँ है और सेपरेशन हमारा लार्जर है, लार्जर देन एक्चुअल सेपरेशन से बहुत लार्ज है, ऐसा समझ सकते हो कि ये जो सेपरेशन है वो बहुत लार्ज है, ऐसा समझेंगे। ठीक है, डिफरेंट सेल्स सब सेल्स में है, इनके वेल डिफाइंड है ये एनर्जी लेवल, वेल डिफाइंड है ये एनर्जी लेवल, और एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं है, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया, ये तो क्लियर है भाई, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया भी और यहाँ लिखा हुआ भी है। लेकिन अब आगे बढ़े हम लोग, इन ए क्रिस्टलीन सॉलिड, लार्ज नंबर क्रिस्टलीन सॉलिड जो एक्चुअल में है, इस सॉलिड में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टू वन अदर, क्लोज लाइक एंड बिगिंस टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करना शुरू कर देंगे भाई, जब एक्चुअल सेपरेशन तो क्लोज सेपरेशन है, तो कम सेपरेशन वाले में है, तो ऐसे कंडीशन में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देंगे क्रिस्टलिन सॉलिड में। द बिगिन टू इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन, इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन जो हुआ, द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडरेबली मॉडिफाइड, considerably modified and consequently क्या हुआ भाई, तो instead of discrete energy level valence electrons of उसके valence electrons of different atom we get a, instead of क्या होता है discrete energy level, instead of discrete energy level क्या मिलता है हमें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट एटम्स के लिए वी गेट ए कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरली लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल, ठीक है, विच वी कॉमनली कॉल एज एनर्जी बैंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी बैंड मिलते हैं, जिसको कि हम लोग कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड बोलते हैं, और ये बैंड बना और इन बैंड के बीच के गैप को ही क्या बोला, बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, फिर से देखो, इन ए क्रिस्टलिन सॉलिड लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टू वन अनदर एंड दे बिगिन टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन, इनके इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन के चलते क्या हो जाता है भाई, तो एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडरेबली मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो हम लोगों ने डायग्राम में देखा, एंड कंसिक्वेंटली द इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, और उसके उससे क्या होता है, तो इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल व्हाट वी गेट for valence electrons of different atom we get a collection of extraordinarily large number of closely spaced energy levels which is commonly known as band bolte hain conduction band higher energy level wale aur valence band clear hai yahan tak ye hum logon ne samjha ki band kya hua What is forbidden energy gap in the band theory? तो वो तो हम लोगों ने देखा कि band theory में forbidden energy gap किसको बोलते हैं band theory में? तो it is the gap between conduction band and valence band के energy level में जो difference है, that is called band gap. तो ये क्या लिखता है वो देखो आप। चलो भाई देखो इसको क्या लिखा हुआ है, इसको जरा समझ लिया जाए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो देखो भाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं forbidden band gap or forbidden energy band gap is the energy gap e.g. between the top of valence band and bottom of conduction band, top of valence band energy difference, top of valence band and bottom of conduction band, conduction band के bottom से जो difference है यही तो है forbidden energy gap। ठीक है, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कलेक्शन, बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, ये लिखा हुआ है बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, क्लियर है।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज हम लोगों ने इसको क्लासिफाई कर दिया सॉलिड को, कौन कौन, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, या तो फिर क्या हो, सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर। सो थ्री टाइप के हम लोगों ने बैंड गैप के बेसिस पे, और बैंड गैप में क्या होना चाहिए, क्या वैल्यू पे कैसे डिसाइड करते हैं भाई, तो वो समझने हैं। तो उसके लिए जरा याद रखना कि अगर बैंड गैप हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो ये समझ लेना कि ये क्या है, इंसुलेटर है, ये क्या है, इंसुलेटर है। और अगर बैंड गैप हमारा वो इस तरह से मिले, 3 से कम वाला मिले और ये ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 0.5 मिले, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है भाई, तो सेमी कंडक्टर है, ये क्या है, सेमी कंडक्टर है। और अगर बैंड गैप हमें क्या मिल जाए, ऑलमोस्ट 0 मिल जाए, तो समझेंगे ये क्या है, कंडक्टर है। तो क्या समझेंगे इसको, कंडक्टर। बैंड गैप ही ना हो, ओवरलैप्ड हो, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में गैप ही नहीं है, वो ओवरलैप्ड हो गए हैं, तो उस कंडीशन में लोग बोलते हैं कि ये कंडक्टर है, मेटल्स कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और कंडक्टर ही है तो उनमें कोई बैंड गैप नहीं होता है। ये तो मैंने वैल्यू बता दिया, बाकी लिखा हुआ भी मिलेगा और बैंड गैप हम लोग दिखाएंगे भी डायग्राम में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। थ्री टाइप ऑफ सॉलिड एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंग कंडक्टर। अब हमें एक्सप्लेन ही करने हैं कि ये तीनों टाइप क्या क्या हैं। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस, एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंग कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी एंड ऑल्सो शो कॉरस्पॉन्डिंग बैंड डायग्राम। कॉरस्पॉन्डिंग बैंड डायग्राम तीनों के लिए अलग अलग ड्रॉ करने हैं, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो आगे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, एक एक करके करेंगे। अगर हमारा मान लो सॉलिड कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो कैसे दिखाएंगे, इंसुलेटर है तो कैसे दिखाएंगे। चलो पहले इंसुलेटर के लिए ही दिखाते हैं, इंसुलेटर से लिए। ये है कंडक्शन बैंड, तो ये है वैलेंस बैंड, ठीक है, ये वैलेंस बैंड हो गया, उधर कंडक्शन बैंड हो गया, और इन दोनों में जो गैप दिखाएंगे वो फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा, तो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होने से क्या हुआ भाई, तो देखो भाई नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होता है, तो रूम टेम्परेचर पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ एनर्जी मिलते रहते हैं, ड्यू टू रूम टेम्परेचर हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिलते रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिलते हैं, वो जनरली 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस ऑर्डर के मिलते हैं। इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन के पास उतना एनर्जी नहीं आएगा, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी नहीं मिल पाएगा रूम टेम्परेचर पे कि ये जंप मार करके और फ्री हो जाए। मींस जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जो सिलिकॉन या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को उतना एनर्जी मिलेगा ही नहीं कि ये अपना बॉन्ड को ब्रेक करके और फ्री हो जाए कंडक्शन के लिए, उनको फ्री मिलेगा ही नहीं। इट मीन्स ये यहाँ से निकल नहीं सकता, निकलेगा तब तो ये फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए, लेकिन ये निकलने के लिए इसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बैंड गैप इतना एनर्जी मिलेगा तब जाके, क्योंकि ये अभी कंडक्शन बैंड में नहीं है, ये वैलेंस बैंड में है, और वैलेंस बैंड में जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का एनर्जी है, वो बहुत कम है इसको फ्री होने के लिए। देखो भाई यहाँ पे है कंडक्शन बैंड, इसका एनर्जी लेवल ये है, इसका वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल ये है, तो यहाँ से यहाँ जाने का जो एनर्जी है अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, तब तो यहाँ से जंप मार के यहाँ पहुंचेगा कंडक्शन बैंड में, मींस फ्री हो जाएगा कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तभी होगा जब इसको सफिशियंट एनर्जी मिले, बैंड गैप इतना कम से कम एनर्जी मिले, तभी तो ये जंप मारेगा और फ्री हो जाएगा मूवमेंट के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इंसुलेटर में क्या है कि रूम टेम्परेचर पे तो हमें अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलता है, 0.9 0.8 टेम्परेचर बढ़ा दिया तो चलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस टाइप का मिलता है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मिल सकते, तो नहीं मिल सकते तो जंप नहीं मार सकते, तो भाई वैलेंस बैंड में फंसे हुए हो, वैलेंस बैंड में फंसे ही हुए रहो, नहीं निकल सकते तुम, तो यही रहो फंसे हुए। कंडक्शन बैंड खाली है, एम्प्टी है, ये कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी ही रहेगा, ये हमारा फील्ड है, मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब कहाँ है भाई, तो ये वैलेंस बैंड में ही फंसे हुए हैं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे, वो सब वैलेंस बैंड में फंसे हुए हैं भाई।
तो इस कंडीशन में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो कंडक्शन बैंड विल बी एम्प्टी और वैलेंस बैंड में ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ ये इंसुलेटर, इंसुलेटर के केस में तो भाई यही हाल होता है, बैंड गैप इज सो हाई दैट नो इलेक्ट्रॉन कैन जंप, और इसलिए ये बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर भी दें, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर भी दें कि अच्छा भाई ऐसा सॉलिड हो, चलो भाई करंट कंडक्ट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, अरे भाई तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वही तो मूवमेंट करने के लिए अवेलेबल होगा, फ्री ही नहीं, सब तो अपने अपने बॉन्ड में फंसे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन के लिए फ्री के फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो कोई भी अवेलेबल नहीं है कंडक्शन कराने के लिए, इट मींस करंट यहां पे एस्टेब्लिश क्या होगा, जीरो, यहां पे कोई करंट नहीं एस्टेब्लिश हो पाएगा क्योंकि ये इंसुलेटर है और ये है इसका बैंड, बैंड डायग्राम, इसको हम लोग वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऐसे करके दिखाएंगे, बैंड गैप बड़ा दिखा दिया, तो ये जो दिखाया ये है बैंड डायग्राम कोरस्पोंडिंग टू इंसुलेटर, ठीक है, कोरस्पोंडिंग टू इंसुलेटर, क्लियर है यहां तक। चलो भाई अब हम लोग जरा हम लोग आते हैं अब कंडक्टर के लिए, फिर आएंगे सेमीकंडक्टर के लिए। तो अब अगर हम लोगों को कंडक्टर के लिए दिखाना हो, कंडक्टर्स के लिए दिखाना हो, मेटल्स के लिए दिखाना हो, कंडक्टर के लिए क्या होता है बैंड डायग्राम, तो ये है भाई वैलेंस बैंड, क्या है ये वैलेंस बैंड, और ये है हमारा कंडक्शन बैंड, ये है समझो कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड है, ओवरलैप्ड है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो ओवरलैप्ड होने का मतलब ये हो गया कि अब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हमारे अवेलेबल होंगे कंडक्शन बैंड के लिए, कंडक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, मीन्स यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके लिए भी काम करेंगे, इसके लिए भी काम करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगा बहुत इसमें रहेंगे, समझो कि ये क्या है कंडक्शन बैंड के ही समझो पार्ट हैं, ये इसमें बहुत सारे ओवरलैप्ड है, मीन्स फॉरबिडन एनर्जी गैप इज जीरो, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज जीरो, तो यहाँ ओवरलैप्ड है भाई, तो यहाँ ओवरलैप्ड होने का फायदा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, और ऐसे सॉलिड में जैसे ही हम लोग सेल लगाएंगे, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, तो जो कंडक्शन के इलेक्ट्रॉन है वो भागना शुरू करेंगे और करंट हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा, करंट हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा, मीन्स करंट नॉन जीरो आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे, ऐसे कौन इलेक्ट्रॉन भागेंगे भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, ये जो बॉन्ड में फंसे होते हैं वो नहीं भागते, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है क्योंकि ये भाई कंडक्टर है, कंडक्टर है, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, ये भी अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, करंट यहाँ पे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन भागेंगे ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे और करंट ऐसे चलेगा और हमारा करंट कंडक्शन मिलेगा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बोलते हैं कि वेरी वेरी स्मॉल है, कंडक्टिविटी हाई है, ये क्या है इसका हाई कंडक्टिविटी, मींस कंडक्टेंस के लिए ये अलाउ करता है, तो हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसकी हाई है, इसकी क्या है तो वेरी लो कंडक्टिविटी, मींस वेरी वेरी लो कंडक्टिविटी, क्या इसको बोलेंगे भाई, तो वेरी वेरी लो कंडक्टिविटी इसका होगा, मींस हाई रेसिस्टिविटी, लो कंडक्टिविटी मींस हाई रेसिस्टिविटी, यहाँ क्या है लो रेसिस्टिविटी, यहाँ रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस बहुत कम है और यहाँ पे कंडक्टेंस ही ज्यादा है, कंडक्ट करने के लिए अवेलेबल है, क्लियर है यहाँ तक। ये दो का बैंड डायग्राम हम लोगों ने देखा, किसका किसका देखा भाई बैंड डायग्राम, तो पहले देखा इंसुलेटर का बैंड डायग्राम जिसमें बड़ा गैप दिखाओगे, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में बड़ा गैप दिखाएंगे, यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हर जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और कुछ वैलेंस में हैं, चलो ठीक है, तो मेटल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, सो ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल है, क्लियर है। ये किसका किसका बैंड डायग्राम हुआ भाई, ये बैंड डायग्राम हुआ, ये इतना बैंड डायग्राम हुआ, ये हुआ किसके लिए इंसुलेटर के लिए, और ये जो बैंड डायग्राम दिखाएंगे ओनली बैंड डायग्राम, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप और फॉरवर्ड एनर्जी गैप दिखा दोगे, यहाँ पे लिख दोगे जीरो, तो ये हो गया किसके लिए कंडक्टर के लिए। चलो अब जरा हम लोग देखेंगे इसके लिए भाई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए, वो देखेंगे हम लोग सेमी कंडक्टर के लिए। तो सेमी कंडक्टर के लिए हम लोगों को समझने पड़ेंगे जरा, ये देखो सेमी कंडक्टर के लिए दिखाना चाहते हो तो इसको हम लोग दो पार्ट में दिखाते हैं भाई, कैसे कैसे, एक जीरो केल्विन पे दिखाएंगे, टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन पे दिखाएंगे और ये टी नॉन जीरो केल्विन पे दिखाएंगे, ठीक है। जीरो केल्विन मींस वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे चले जाओ, कहाँ आ जाओ, वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में ये होता है भाई, सेमी कंडक्टर में सबसे पहले तो दिखाओगे एक कंडक्शन बैंड, और क्या दिखाओगे भाई, तो एक दिखाओगे वैलेंस बैंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कंडक्शन बैंड भी दिखाने हैं, वैलेंस बैंड भी दिखाने हैं, तो कंडक्शन बैंड यहाँ दिखाओगे तो वैलेंस बैंड यहाँ दिखा देगा,
ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, बहुत बढ़िया। और इनमें जो गैप होगा, ये जो गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये हम लोग लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मींस बहुत बड़ा गैप नहीं है, ये बहुत ज्यादा गैप नहीं रहेगा। अराउंड ये मान लो अगर किसी का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप है, फॉर एग्जाम्पल सिलिकन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.75 अगर गैप है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम है कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एनर्जी मिलेगा। तब तो ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रखे हैं भाई, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रखे हैं, इनको जैसे ही मिलेगा एनर्जी, फॉरबिडन गैप जितना है उतना एनर्जी मिलेगा, तभी तो ये जाएगा। अब मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा तभी तो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे होता तब मिलता कुछ, अभी तो ये 0 केल्विन पे है, 0 केल्विन या 1 केल्विन या 2 केल्विन पे है, 0 केल्विन तो होता नहीं है किसी का, लेकिन हम लोग थ्योरेटिकली यही दो पार्ट समझते हैं, एक 0 केल्विन पे और एक नॉन 0 केल्विन पे। तो 0 केल्विन पे किसी को वो एनर्जी मिलेगा ही नहीं बैंड गैप इतना कि ये यहाँ पे अवेलेबल हो पाए, मींस कंडक्शन के लिए फ्री हो पाए। सारे क्या हैं वो, तो सिलिकन 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 सिलिकन, इस तरह से जो बॉन्ड्स में फंसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड्स में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन्स, इनको फ्री होने के लिए, दैट इज कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, कंडक्शन बैंड में, अभी तो ये वैलेंस बैंड में है, अभी तो ये वैलेंस बैंड में इनका एनर्जी लेवल लो है, इनका एनर्जी लेवल वेरी लो है। अब इनको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रूम टेम्परेचर पर मिल सकता है, बट 0 केल्विन पे ना, 0 केल्विन पे तो नहीं मिलेगा, 0 केल्विन पे नहीं मिलेगा, तो पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी रहेगा, और वैलेंस बैंड ही फिल्ड रहेगा। और एज ए रिजल्ट होगा क्या, तो एज ए रिजल्ट होगा ये कि ये ऑलमोस्ट क्या है, इंसुलेटर है। तो ये क्या हो जाएगा, लाइक इंसुलेटर हो गया, ये लाइक इंसुलेटर क्यों हो गया, समझ में आ गया भाई, इसको लाइक इंसुलेटर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंसुलेटर की तरह ये कंडक्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो ये क्या बन गया, तो लाइक इंसुलेटर बन गया भाई, ये बन गया लाइक इंसुलेटर, ध्यान देना। लेकिन कब, एट 0 केल्विन है तब, ठीक है, एट 0 केल्विन है तब ऐसा हो रहा है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता और इसलिए इलेक्ट्रॉन को छोड़ नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ रहा है, इसके लो एनर्जी लेवल है, जैसे ही इसको एनर्जी सफिशियंट मिलेगा तभी ये जाएगा, और ये सफिशियंट एनर्जी जनरली नहीं मिल पाता कब, जो वेरी लो टेम्परेचर होता। तो वेरी लो टेम्परेचर पे तो ये ऑलमोस्ट क्या है, इंसुलेटर है, ये है ऑलमोस्ट इंसुलेटर, ये ध्यान रखना, मतलब इंसुलेटर ही है। 0 केल्विन अगर हो जाए तो बिल्कुल इंसुलेटर है, 1 केल्विन है बिल्कुल इंसुलेटर है, क्योंकि इसको मिलेगा ही एनर्जी, जंप करेगा ही नहीं, ये एम्प्टी का एम्प्टी बन जाएगा, ठीक है भाई। अब हम लोग देखें कि एट रूम टेम्परेचर, जनरली ये दो टेम्परेचर पे हम लोग डिस्कस करते हैं, एक रूम टेम्परेचर और दूसरा 0 केल्विन पे। तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम लोग बात करें, तो इस कंडीशन में ये है कंडक्शन बैंड, ये था वैलेंस बैंड, लेकिन इन दोनों में बैंड गैप बहुत कम है भाई, बैंड गैप क्या है, बहुत कम है। ये हमारा कितना है भाई, तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह का है। और ऐसे कंडीशन में जब ये रूम टेम्परेचर पे है, तो उस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, ये इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा सफिशियंट एट रूम टेम्परेचर कि ये यहाँ से जंप मार करके यहाँ पहुँच जाए, मीन्स यहाँ से जंप मार करके ये यहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे एक वैकेंसी खाली हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ भाई, तो सिलिकन में अगर मान लो सिलिकन था एक सिलिकन सराउंडेड बाई 4 अदर सिलिकन, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है भाई, ऑक्टेट हमारा पूरा था। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो समझो कि यहाँ पे इफेक्टिवली क्या हो गया, तो इफेक्टिवली वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी आ गया, तो ये बन गया प्लस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक हो गया फ्री। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फ्री आया, तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, इस प्लस को क्या बोलते हैं भाई, सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं होल, इसको क्या बोलते हैं होल, दैट इज एक हमारा जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां एक होल जनरेट हो जाएगा, ये प्लस जो है वो एक होल है,
और यहाँ से होल जनरेट करके ये निकल गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। अब ऐसे ऐसे मान लो कुछ और इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गए क्योंकि हमें कुछ सफिशियंट एनर्जी मिला और इलेक्ट्रॉन्स कुछ जंप कर गए। कहाँ से भाई, तो वैलेंस बैंड से जंप कर गए, क्रिएटिंग होल करस्पॉन्डिंग टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसके करस्पॉन्डिंग होल बन गए। इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो मिलेगा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सेमीकंडक्टर जो हमें मिलेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि यहाँ जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आए हैं वो कहाँ से आए हैं? तो वो जंप लगा के आए हैं भाई, अपने बॉन्ड को ब्रेक करके आए हैं। जहां जहां बॉन्ड ब्रेक किया वहां वहां क्या हो गया, सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। तो यहाँ से निकला है कोई, इधर वाले सिलिकन से निकला होगा, कोई इधर वाले सिलिकन से निकला होगा, वो ऑक्टेट बेचारा पूरा कर रखा था तो इधर वाले सिलिकन से निकल गया, तो यहाँ भी एक पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरह से कुछ होल्स क्रिएट हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए, और ये जब होल इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स विल बी सेम। नंबर डेंसिटी का मतलब समझे, यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ फ्री होल्स हैं, जितने होल्स हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं। ऐसा थोड़ी कोई इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं और से, नहीं, यहीं से आया है, जंप लगा के आया है, बॉन्ड ब्रेक करके आया है, इसलिए जितने हमारे वैलेंस बैंड में, ये जो वैलेंस बैंड है, इस वैलेंस बैंड में जितने हमारे होल क्रिएट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं। सो दोनों का नंबर सेम होगा। क्लियर है? रूम टेम्परेचर पे ये हाल है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन जो जंप करके आते हैं तो ये स्लाइड कंडक्टिविटी दिखाता है एट रूम टेम्परेचर। स्लाइड कंडक्टिविटी इसमें आ जाता है कब भाई, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है? स्लाइड कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन पे तो बिल्कुल इंसुलेटर होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे या किसी अदर टेम्परेचर पे हमारा कुछ ये कंडक्टिविटी दिखाएगा। और ये कंडक्टिविटी कितना होगा, कितना होगा, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा जंप लगेगा, और जितना ज्यादा जंप लगेगा उतना ज्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी, मीन्स कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो पाएगा, उतना रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। सो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा कंडक्टिविटी और कम रेसिस्टिविटी, ये ऐसा मिलता रहेगा। लेकिन लो टेम्परेचर पे हमारा कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो गया, रेसिस्टिविटी इनफाइनाइट हो गया, और उस कंडीशन में ऑलमोस्ट क्या हो गया, ये तो इंसुलेटर हो गया, ऑलमोस्ट क्या हो गया, ये इंसुलेटर बन गया। सो सेमीकंडक्टर के लिए ये दो टेम्परेचर पे अलग अलग हम लोग दिखाते हैं। जब भी आएगा बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर तो आप यही काम करना। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम लोग जरा इसमें दिखाएं, इसको नोट कर लिया, कर लिया, ठीक है। अब जरा मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इन तीनों में बेसिक क्या डिफरेंस है। अगर हम लोग ये तो बैंड डायग्राम के बेसिस पे देख लिए, अगर हम लोग बोले कि इंसुलेटर एक तरफ ले लिया हमने, इंसुलेटर एक तरफ ले लिया हमने, कंडक्टर और एक तरफ ले लिया हमने सेमी कंडक्टर। चलो अब इनमें थोड़ा सा कंपेरिजन हम लोग जनरल बात, जनरल डिस्कशन कर लें तो बेटर होगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर है? थोड़ा देखते हैं हम लोग इसको, ऐसे बात करते हैं, इंसुलेटर में और कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में क्या होगा। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि भाई ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और इसके थ्रू मैं करंट सेट करना चाहता हूं, मैंने सेल लगाया, अब ये करंट एस्टेब्लिश होना चाहेगा तो इस करंट का वैल्यू कितना होगा। एक नॉर्मल सा मान लो कुछ क्रॉस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर का ये लेंथ भी है, इस तरह का एक हमने सिलिंड्रिकल सॉलिड ले लिया। चलो ठीक है भाई, सिलिंड्रिकल सॉलिड ले लिया और हम लोग जानना चाहते हैं कि करंट का वैल्यू कितना होगा। ये 10 वोल्ट का हमने सेल लगाया तो ये करंट का जो वैल्यू होगा वो जानते ही हो, पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको ये मैं बोल रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इंसुलेटर है ये, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इसमें करंट कितना होगा, तो टेंडिंग टू जीरो होगा। करंट क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट करंट जीरो रहेगा। मीन्स अगर हम लोग बात करें कि करंट का वैल्यू ही बता दो भाई कितना होगा, तो अगर करंट का वैल्यू लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो करंट इज इक्वल टू 0.00000, खूब जीरो, खूब जीरो, खूब जीरो, और बाद में कभी जब मरने लगेंगे तब वन डालेंगे, ये होगा इसमें करंट का वैल्यू, मीन्स ऑलमोस्ट क्या है, जीरो ही है। चलो कंडक्टर की बात करें, अगर वही डायमेंशन का यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर का लेंथ लिया, वही 10 वोल्ट हमने सेल भी लगाया,
तब हमने क्या पाया करंट का वैल्यू भाई, तो करंट का वैल्यू पाया कि इसका जो रेसिस्टेंस था वो समझो कि हमारा 2 ओम था, और इस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस करके इलेक्ट्रिकल करंट निकालते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 ओम मिल करके हो गया कितना भाई, तो 5 एम्पियर का करंट एस्टेब्लिश हो गया। क्या हो गया करंट का वैल्यू भाई, 5 एम्पियर का करंट चल रहा है भाई, मस्त चल रहा है करंट, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर आ गया, साइज वही है, सब कुछ वही। चलो अब सेमी कंडक्टर का अगर हम लोग वही साइज 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये भी 1 मीटर का ले लिया, सब कुछ सेम, और सेल भी लगाया वो भी एक सेम है भाई, सेम वैल्यू का। अब यहाँ भी करंट का वेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा भाई, तो याद होगा इसमें तो भाई वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और अगर ये रूम टेम्परेचर पे है, मान लो रूम टेम्परेचर की ही बात करें, कुछ ना बोला जाए तो रूम टेम्परेचर, तो इसमें तो भाई वैलेंस बैंड में बहुत इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता था भाई, तो इसमें कंडक्टर था, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या है भाई, तो ओवरलैप्ड है, इस कंडीशन में तो हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई कमी नहीं है, तो इस कंडीशन में हो गया। इसमें क्या था भाई, तो इसमें हमारा कंडक्शन बैंड ऐसे था, तो वैलेंस बैंड ऐसे था, गैप इतना ज्यादा था, सारे के सारे इसी में हैं, और कोई ये कंडक्शन बैंड में कोई है ही नहीं, तो कंडक्शन बैंड में कोई नहीं मिला इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पे तो हमारा बहुत है, यहाँ पे बहुत था, और यहाँ पे हमारा रूम टेम्परेचर पे कुछ मिलेगा बस, 1, 2, 3 मिला मान लो, तो ऐसे कंडीशन में कंडक्टिविटी कुछ तो आएगा, EMF डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस का वैल्यू, सेल लगाए हो, EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस, देन डिवाइडेड बाई यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू देखोगे तो 2 ओम नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो मान लो 0.002 ऐसे, तो भाई ये वैल्यू डालोगे ना 0.0002 ऐसे डालोगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा करंट का वैल्यू भाई, तो इसका करंट का वैल्यू हो जाएगा 5×10⁻⁴ एम्पियर, करंट का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। इस पे तो पहले 10⁴ करोगे, इस पे 10⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तब ना ये 2 बनेगा, फिर 5 बन जाएगा, तो 5×10⁻⁴ एम्पियर का ये करंट बना, ये हमारा बना 5 एम्पियर का करंट, और यहाँ पे क्या बन गया भाई, तो 0.0000 ऑलमोस्ट 0 है करंट, इसमें करंट 0 है। तो इस तरह से इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है सेमी कंडक्टर का बिहेवियर, मीन्स इसकी कंडक्टिविटी, इसकी अगर कंडक्टिविटी बोले तो इसका कंडक्टिविटी वेरी वेरी लो, कंडक्टिविटी क्या है इसका, वेरी वेरी लो है वैल्यू, तो याद रखना हो तो आप रख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। रेसिस्टिविटी वेरी हाई, रेसिस्टिविटी क्या है, वेरी हाई, वैल्यू तो अभी दिखा दूंगा मैं, लेकिन ये मेन बात जो आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं वही है, कंडक्टर में क्या होगा, तो कंडक्टिविटी वेरी हाई, कंडक्टर में कंडक्ट करने के लिए रेडी है, कंडक्टिविटी वेरी हाई, तो हाई वैल्यू का कंडक्टिविटी होगा, और रेसिस्टिविटी होगा वो क्या होगा, तो वो होगा वेरी लो, वैल्यू देख लेंगे। इसमें क्या है भाई, तो कंडक्टिविटी होगा इन बिटवीन, ना तो ये हमारा कंडक्टर की तरह वेरी हाई होगा और ना ही इंसुलेटर की तरह वेरी वेरी लो होगा, तो ये मॉडरेट लेवल का होता है, रेसिस्टिविटी भी और कंडक्टिविटी दोनों क्या होगा, इन बिटवीन क्या, किसके, इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ऐसा इसका वैल्यू है, मीडियम लेवल का वैल्यू है। तो ये जनरल सी बात समझ गए, आइडिया लगा, ठीक है, बैंड डायग्राम समझे हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, वापस आ जाएं, कहाँ वापस आ जाते हैं, बुकलेट पे जहाँ पे चल रहे थे हम लोग, ठीक है। देखो भाई बैंड गैप देख रहे थे हम लोग, बैंड गैप देखा जाए, बैंड गैप पे हम लोग काम कर रहे थे, यही देखा जाए अभी, तो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप इज द एनर्जी गैप ऑन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, ये सब देख चुके थे हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इन कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, और डिफरेंस बताने थे कंडक्टर इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी एंड ऑल्सो सो कॉरेस्पॉन्डिंग बैंड डायग्राम, तो यही तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यही अभी डिस्कस किया, अब इसी को हम लोगों को दिखाने थे, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं भाई, देखो नेक्स्ट पेज पे देखा जाए, अब इसमें हम लोग जरा जो अभी इस बात हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसी चीज को यहाँ पे पहले समझ लेने हैं, क्या भाई, तो समझा जाए, देखो भाई समझा जाए, यहाँ पे फॉर कंडक्टर किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, फॉर कंडक्टर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप एंड देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन देम, उनमें कोई एनर्जी गैप नहीं था, देयर इज नो एनर्जी गैप,
ठीक है, EC is equal to zero and consequently a large number of electrons are available for electrical conduction. Electrical conduction के लिए large number of electrons are available and substance behave as good electrical conductor. और वो क्या होगा? तो good electrical conductor की तरह वो substance behave करेगा. Clear है ये? ये तो हम लोगों ने भी discuss किया और ये आप बिल्कुल समझ चुके हो. And most metals come in this category, आपको पता ही है. And they possess very low resistivity. इनका resistivity very low होता है और conductivity very high होता है. Low resistivity का value दिया हुआ है यहाँ पे 10^-2 to 10^-8 ohm meter. ठीक है, very low resistivity and have high electrical conductivity varying from 10^2 to 10^8 siemen per meter. उसी का उल्टा है भाई, ohm का reciprocal को ही हम लोग siemen बोलते हैं. ठीक है, इसको महो भी बोलते हैं. महो, ohm का opposite महो भी बोलते हैं. ठीक है, और इसका सिंबल भी जो होता था वो ऐसा हो जाता है, इसको हम लोग महो भी बोलते हैं. MHO इधर उल्टा लिखेंगे, MHO. ये ओम है, ये क्या है? ओम है, रेसिस्टेंस का यूनिट. और ये क्या है? महो. इसका सिंबल 1/this है. इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये ओम लिखते हो ऐसे, उसी का उल्टा कर दोगे तो महो हो जाएगा. इसको साइमन भी बोलते हैं हम लोग. बात देखिए, ठीक है, तो साइमन पर मीटर, इसी का उल्टा हो गया. देखो यहाँ पर मीटर हो गया और 1/ohm को साइमन बोल दिया, एक ही बात. तो यहाँ पे देख रहे हो इसका वैल्यू इसका देख लिए कंपेटिटिवली. और हम लोग अब इंसुलेटर की, ये तो किसकी बात हो गई भाई? मेटल्स की बात हो गई. अब हम लोग बात करेंगे किसका? इंसुलेटर का. तो फॉर इंसुलेटर दैट इज ग्लास हो, रबर हो, वुड हो, प्लास्टिक हो, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड. वैलेंस बैंड क्या होगा? कंप्लीटली फिल्ड होगा. वैलेंस बैंड मीन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया वो कंप्लीटली फिल्ड है. कंडक्शन बैंड एम्प्टी, क्योंकि इंसुलेटर की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है इंसुलेटर की. तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड बट कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी एंड ए लार्ज बैंड गैप ईजी एग्जिस्ट. ईजी का वैल्यू ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन देम. लार्ज बैंड गैप है बिटवीन देम एज नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड. कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कंडक्शन बैंड में. द सब्सटेंस बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होगा एंड देयर रेसिस्टिविटी क्या होगा? रेसिस्टिविटी तो भाई वेरी हाई होगा. रेसिस्टिविटी 10^11 to 10^19 ohm meter और मोड, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, उससे भी ज्यादा. एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा? ये वेरी लो होगा. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10^-11 to 10^-19 साइमन पर मीटर. ठीक है, जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है. देखो अपोजिट हो जाता है. यहाँ पावर 11 है, पावर -11 है, 19 है तो -19 है. क्लियर है? ये याद तो आपको रखने है भाई, वैल्यू याद आपको रखने है. ठीक है, लेकिन जो जनरल बिहेवियर है इंसुलेटर का वो हम लोगों ने देखा. हाँ, इसमें एक्सप्लेनेशन है, बैंड डायग्राम अभी नहीं दिखाया हुआ है. तो एक्सप्लेनेशन है, बैंड डायग्राम मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आपने उसको नोट भी कर लिया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे चले. तो कंडक्टर का हुआ, इंसुलेटर का हुआ, अब जरा सेमी कंडक्टर के लिए यहाँ पे बात हो रहा है. तो ये देख लिया जाए भाई, फॉर सेमी कंडक्टर क्या कहा जा रहा है, तो ये देखते हैं हम लोग. तो फॉर सेमी कंडक्टर जो कि इस चैप्टर का मेन हम लोगों का फोकस पॉइंट है, द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डेट ऑफ, जो बैंड डायग्राम स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर टू डेट ऑफ इंसुलेटर है, बट एनर्जी बैंड गैप इज कंपेरेटिवली स्मॉल. जो बैंड गैप होगा वो कंपेरेटिवली स्मॉल होगा, लेस देन एजी, लेस देन, यहाँ करेक्शन करने होंगे बुकलेट में, एजी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. एजी क्या होगा? यहाँ पे लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. क्लियर है? यहाँ पे जो बैंड गैप होता है वो यहाँ पे बैंड गैप, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में जो डिफरेंस है वो एजी, वो क्या होगा भाई? तो एजी होगा लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था. ठीक है भाई, ये तो है सेमी कंडक्टर के लिए. ठीक है, और रूम टेम्परेचर पर अगर बात करें तो कुछ इलेक्ट्रॉन को दिखाओगे, और जीरो केल्विन पे बात करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाएंगे, एम्प्टी दिखा देंगे. चलो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए. ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो, अब बात आ गई, एट एब्सोल्यूट जीरो दे बिहेव 100% इंसुलेटर, बट एट एनी अदर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ स्मॉल बैंड गैप सम इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड एज ए रिजल्ट सम कंडक्शन विल टेक प्लेस. और इससे क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आएगा कंडक्शन में और कुछ कंडक्शन हमें अवेलेबल होगा. कब? अदर टेम्परेचर पे, नॉट एट जीरो केल्विन. ठीक है,
For semiconductors, resistivity varies from 10 power minus 5 to resistivity medium level का and electroconductivity भी medium level का. यहाँ power 11 वाला बात है, power 18 वाला बात नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये room temperature पे और ये बता दिया. ठीक है, conductivity small मिलेगा room temperature पे, but 0 Kelvin पे कोई conductivity नहीं मिल पाएगा. ठीक है, ये समझ गए हम लोग. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए. व्हाट इज प्योर सेमीकंडक्टर? प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है वो समझते हैं. प्योर सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी है. इसको अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, तो उसमें समझ में आया होगा कि देखो प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग बात करें तो सिलिकॉन की बात करें, ज्यादातर यहाँ पर हम लोग सिलिकॉन ही पढ़ रहे हैं, तो ये सिलिकॉन है. प्योर सेमीकंडक्टर जब भी होगा तो एक एटम चार सराउंडिंग अदर आइटम से सराउंडेड होता है. इस तरह से सिलिकॉन है. ठीक है, इस तरह से है. बात करें हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की, अगर हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे हर के पास भाई दो दो इस तरह से कैसे कैसे है भाई, फोर अपना है और इसके भी फोर थे, तो ये थ्री और एक ऊपर चला जाएगा. उसके भी एक थ्री यहाँ दिख रहे हैं, एक ऊपर चले जाएंगे. इसके भी फोर है इस तरह से, इसके भी फोर है इस तरह से, इसके भी फोर है इस तरह से, इसके भी फोर होंगे इस तरह से, इसके भी फोर ये इस तरह से हैं. यही वाला जो है हमारा, ये वाला यहाँ है इसका, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है. ठीक है, ये वाला देखेंगे तो इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ये वाले का भी है इस तरह से, और ये वाले का भी है इस तरह से, ये वाले का भी है इस तरह से. ठीक है, इस तरह से है. चलो भाई, इधर वाले को हम लोगों ने ऐसे दिखाया. ठीक है, ये हम लोगों ने दिखाया भाई इधर वाले का. ठीक है, नीचे वाले का दिखाए अगर, तो इसका थोड़ा सा हम लोग अगर कलर चेंज करते हैं, ये मान लो हम लोग करते हैं इसको ऐसे दिखाएं, तो इस तरह से इसके भी फोर है भाई, इसके भी फोर है. मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये पता लगे कि ये वाला एटम, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है. ठीक है, इसके भी इस तरह से फोर दिखाएंगे, इसके भी इस तरह से फोर दिखाएंगे, इसके भी इस तरह से फोर दिखाएंगे, इसके भी इस तरह से हम लोग फोर दिखाएंगे, और इसके भी हम लोग फोर दिखाएंगे, और इसके भी उसी तरह से फोर दिखाएंगे. ठीक है, अब जरा बात करें हम लोग कि ऑक्टेट कैसे कैसे पूरा हो रहे हैं भाई. तो ऑक्टेट पूरा हो रहे हैं, देखो इसके कैसे पूरा हो रहे हैं, तो इसके फोर हैं, और ये ऊपर वाले का देखेंगे तो ऊपर वाले के भी तो फोर हैं ऐसे, ऊपर वाले के भी फोर हैं ऐसे, इसके भी फोर इस तरह से हैं, इसके भी फोर इस तरह से हैं, इसके भी फोर इस तरह से हैं. तो अगर इसको पकड़े हम लोग तो इसके देख रहे हैं यहाँ है, और यहाँ है ऐसे, यहाँ है ऐसे, और यहाँ पे भी इसका था एक और इसका भी तो था, यहाँ है ऐसे. मीन्स इसका जो हो गया वो ये, ये फोर इसका अपना ओरिजिनल है. एक इधर वाले का लिया, एक इधर वाले का लिया, एक ऊपर वाले का लिया, एक इधर वाले का लिया. इस तरह से इसके ऑक्टेट क्या हो गए, पूरे हो गए. सिमिलरली इसके लिए देखेंगे इसके भी क्या हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे. इसके देखने हैं तो क्या हो जाएंगे, इसके भी ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे. इसके लिए देखेंगे तो क्या होगा भाई, तो इसके भी ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे. इसके लिए देखेंगे तो क्या होगा भाई, इसके लिए इधर तो है नहीं, तो इसके लिए इसके भी इधर है ना, तो ये भी अपना पूरा करेगा. इसके देखेंगे तो इधर वाले का ये, इधर वाले का ये, अच्छा इसका मिस नहीं दिखाई दिया, ये है और इसका ये है. इस तरह से इसके भी ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं. ठीक है, कलर भी चेंज करने पड़ जाएंगे, दिख तो रहा है कम से कम क्या क्या हो रहा है. इसके ऑक्टेट ऐसे पूरे हो रहे हैं इस वाले के. सिमिलरली इसका अगर देखें तो यहाँ से दो, यहाँ से दो, और यहाँ से ऐसे दो, इस तरह से ये ऑक्टेट पूरे हैं. इसके भी अगर देखो तो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला है. इस तरह से इसके भी ऑक्टेट पूरे हैं.
इस तरह से चल रहे हैं, इसके भी ऑक्टेट देखोगे तो ऐसे देखोगे, इसको ऐसे देखोगे, इस तरह से इसके भी पूरे हो जाएंगे भाई, सबके अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्योर सेमीकंडक्टर की, तो प्योर सेमीकंडक्टर में एक ही एटम हर क्रिस्टल पॉइंट, क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट पे एक ही एटम, सिलिकन है तो बस सिलिकन ही है, इसमें कोई दूसरा इम्प्योरिटी नहीं है, ओनली सिलिकन 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 ही है। और सिलिकन के सेमीकंडक्टर के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिलिकन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से एडजस्टमेंट किए हुए हैं कि एवरी इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग इन सर्टेन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में ये पार्टिसिपेट किए हुए हैं। इसलिए अगर हम लोग ये 0 केल्विन पे हैं, टेम्परेचर क्या हो, अगर 0 केल्विन पे हो तो नो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो हैं ही अंदर अपने अपने, उनको तो कोई मतलब ही नहीं कि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फ्री हैं कंडक्शन कर रहे हैं, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मस्त अपना 1s2 में है, 2s2 में मस्त अपना एकदम सोए हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, वो समझो मरे पड़े हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है वो सब हिसाब अपना वो उधर ही हो रहा है। अभी बात हो रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंदर की तो बात ही नहीं होनी है, जो हो रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, और वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो चारों इलेक्ट्रॉन इस तरह से एडजस्टमेंट किए हुए होते हैं कि सबके ऑक्टेट पूरे हैं, हर एटम का ऑक्टेट पूरा है, और इस तरह से जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके फंसे पड़े हैं, मींस कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, कोई भी कंडक्शन बैंड में फ्री नहीं है, सब के सब वैलेंस बैंड में पार्टिसिपेट हुए हैं। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब के सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं और कोई फ्री नहीं है, सो कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, वैलेंस बैंड ही हमारा फील्ड है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में एट 0 के लिए, एट 0 केल्विन, क्लियर है, 0 केल्विन पे ये हाल है सारे के सारे, क्योंकि प्योर है सेमीकंडक्टर। प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है कोई और इंप्योरिटी नहीं है, इसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मेंस प्योर सेमीकंडक्टर है, इन विच नो इंप्योरिटी, चाहे वो इंप्योरिटी किसी भी तरह का हो, ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट वो सब बाद की बात है, यहाँ पे कोई इंप्योरिटी है ही नहीं, सारे के सारे प्योर सिलिकन ही हैं, हर क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट पे सब सिलिकन ही हैं, और एवरी सिलिकन इज सराउंडेड बाय 4 अदर सिलिकन एटम्स, और इस तरह से इनके ऑक्टेट पूरे हैं, एक सिलिकन एटम अपने चारों नेबर से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग लिया है और इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिया भी है, किसी एक सिलिकन ने अपने 4 नेवर से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग लिया है और अपने 4 नेवर्स को एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिया भी है, सच डेट कि उसके भी ऑक्टेट पूरे हों और इनका भी ऑक्टेट पूरा हो, सबके ऑक्टेट पूरे हैं, और इस तरह से कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी और ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। अब मैं इसकी टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, अब टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन के बदले में समझो कि रूम टेम्परेचर आ जाए, यानी कि नन जीरो हो जाए, कुछ टेम्परेचर आया, तो कुछ टेम्परेचर आने से क्या होगा, कोई कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बेचारा, इसको एनर्जी इतना मिला कि ये फ्री हो जाए और कहाँ चला जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाए, मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिला कि ये फ्री हो गया और यहाँ कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हो गया, तो जब रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जरूर फ्री हो जाते हैं और हमें कंडक्शन के लिए अवेलेबल मिलते हैं, और ऐसे कंडीशन में इस पूरे सॉलिड में अगर हम लोग एक सेल लगा करके और करंट पास करना चाहें तो इधर से करंट हमें कुछ मिलेगा, कौन देगा करंट, कंडक्शन बैंड में आए हुए इलेक्ट्रॉन्स देंगे और कुछ होल्स भी देंगे, क्योंकि यहां से जो जंप मारा है इन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन्स जंप किए हैं एक्साइटेड होकर के निकले हैं, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना यहाँ पॉजिटिव मीन्स होल बन जाएंगे और उतना यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो जैसे ही करंट कंडक्शन करने के लिए हम लोगों ने अरेंजमेंट बनाया वैसे ही इनके वैलेंस बैंड के वैलेंस बैंड में जो होल्स हैं वो कंडक्ट करेंगे और हमारा कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्ट करेंगे, और इस तरह से स्लाइट कंडक्टिविटी आ जाएगा, स्लाइट कंडक्टिविटी आ जाएगा। प्योर सेमीकंडक्टर का ये हाल है, यहाँ पे अभी डोपिंग नहीं हुआ, मीन्स इम्प्योरिटी एडिंग नहीं हुआ है, प्योर है। प्योर वाले में क्या होता है, तो दो बातें नोटेबल है, करंट जो भी आएगा वो ड्यू टू कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस बैंड होल्स आएंगे,
और इस कंडीशन में हम लोग नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल दैट इज नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल, ऐसा इक्वल होना होगा, क्योंकि ये कौन सा है भाई, तो प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेंपरेचर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हाल है, करंट हमारा स्लाइड मिलेगा और स्लाइड कंडक्टिविटी होगा, और ये कंडक्टिविटी कितना दिखाएगा तो दैट डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हमें अवेलेबल कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, लेकिन आपको पता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई करके आप कोई काम नहीं कर सकते, जो काम करना होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वो कहाँ करने होते हैं, रूम टेम्परेचर पे करने होते हैं, ना तो वेरी लो टेम्परेचर पे हमें काम कुछ होने लग जाए, जैसे सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर हमारा वेरी लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है, उसका बहुत यूज है, लेकिन इतना लो टेम्परेचर पे दिखाए तो उतने लो टेम्परेचर पे हमारा कोई डिवाइस काम ही नहीं करेगा, उतना लो टेम्परेचर पे थोड़ी हमें काम करना है, हमें काम कहाँ करना है, रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे अगर थर्मल हमारा कोई सुपर कंडक्टर काम करने लग जाए तो उसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कि रूम टेम्परेचर पे जो दिखा रहा है वो काम हम लोगों को ज़्यादा यूजफुल होना है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा इसकी कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी ये नहीं कि बढ़ा करके आप मेटल के कंडक्टिविटी के लेवल पे लेके चले जाओगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, स्लाइड ही वेरिएशन कर सकते हैं टेम्परेचर, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है और तुम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे काम करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे कैसे काम करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे डिवाइस रहेगा वहां पे आप कैसे काम कर पाओगे, उस कंडीशन में ये दिखा रहा है तो उससे अच्छा नहीं रूम टेम्परेचर पे हमें कंडक्टिविटी मिल रहा है उसका काम करेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में क्या लिखा हुआ भाई, तो ये यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि ये बताता है कि किस टेम्परेचर पे कितने इलेक्ट्रॉन जंप मारते हैं, ठीक है, देखो जरा इसमें लिखा क्या गया है, फटाफट देखो, इन ए प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, कितने इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं इन प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट टेम्परेचर टी इज गिवेन बाय, ये है फंक्शन कितने इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे भाई, तो एन का वैल्यू दिया हुआ है कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस ईजी डिवाइडेड बाय 2 इनटू केवी इनटू टी टेंपरेचर, ठीक। अब ये ध्यान देने हैं कि ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि जंप कर सकते हैं टी टेंपरेचर पे वो दिया हुआ है, लेकिन इसका आपको ना तो डेरिवेशन जानने हैं और ना ही ये एक्सप्रेशन आपको एक्सपेक्टेड है कि जानना है, बस इतना जरूर जानने हैं कि टेंपरेचर बढ़ेगा तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री हुए हैं जो कि जंप मार करके आए हैं कंडक्शन बैंड में वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है और वो टेंपरेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, तो वो टेंपरेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है मींस ये वैल्यू जो आया एन का वैल्यू जो आया वो क्या आया कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, क्योंकि पावर माइनस है, ई टू द पावर क्या हो गया भाई, तो इजी डिवाइडेड बाय 2 केवी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। इफ वी इंक्रीज टेंपरेचर, अगर टेंपरेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है भाई, ये है हमारा टोटल वैल्यू, ये है, ये अपना अलग कांस्टेंट है ये, तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर हाई होगा तो ये वैल्यू लो होगा, टेम्परेचर अगर हाई हुआ तो ये जो पावर ई का पावर लगा हुआ है वो वैल्यू क्या हो जाएगा लो होगा, तो एट हाई टेम्परेचर दिस पावर इज लो, पावर लो का मतलब ई का पावर जब कम पावर होगा एट हाई टेम्परेचर, हम लोग देखना चाहते हैं एट हाई टेम्परेचर दिस, एट हाई टेम्परेचर दिस पावर ई का पावर जो होगा वो कम हो जाएगा, ई का पावर कम होने से ये वैल्यू भी कम हो जाएगा और ये वैल्यू कम हुआ तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा मीन्स ग्रेटर एन होगा, तो एन का वैल्यू इंक्रीज होगा, एन का वैल्यू क्या होगा तो वो इंक्रीज होगा, एट हाई टेम्परेचर एन विल इंक्रीज और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करेंगे तो कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, इट मीन्स एट हाई टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ कि एट हाई टेम्परेचर सिंस एन इंक्रीजेस हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, इट मींस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, और कंडक्टिविटी इंक्रीज मींस रेसिस्टिविटी क्या करेगा वो डिक्रीज करेगा भाई, तो यही होता है, ये है फंक्शन जो आपको याद रखना है, वेयर सी इज अ कांस्टेंट एंड केवी इज मोर देन कांस्टेंट, तो ये
बस आपको इतना इसका रिजल्ट याद रखना है, इसके इसके इक्वेशन या इसके न्यूमेरिकल इसके ये आपके सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में नहीं होता। ये सिर्फ आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। मोर इलेक्ट्रॉन जो जंप करेंगे उससे हमारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और हेंस ये ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा। क्लियर है यहां तक? हटा दें ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो अब जरा देखो इसमें और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके बारे में। भाई इसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, 10 नंबर ऑफ कंडक्टर, जो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, 10 नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर ऑफ ए सेमी कंडक्टर विल बी मोर। ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फॉर द सेमीकंडक्टर विल बी मोर इफ एनर्जी बैंड गैप ईजी इज स्मॉल। अगर कम बैंड गैप हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप मारेंगे एंड टेम्परेचर टी इज हाई, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ज्यादा जंप मारेंगे, बैंड गैप कम हो तो ज्यादा जंप मारेंगे। एक का बैंड गैप ये है, दूसरे का बैंड गैप ये है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसमें थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें अगर हमारा 10% आया तो इसमें हमारा 20% मिलेंगे, ज्यादा इसमें मिलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि कम गैप है तो ज्यादा जंप मारेंगे। सिमिलरली टेम्परेचर का होता है कि अगर बाकी सब आइडेंटिकल हो, गैप हमारा उतना ही हो, सब बाकी सब आइडेंटिकल है, लेकिन ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे है, T1 हमारा हाई है, T2 हमारा लो है, तो यहाँ पे हमारा कम ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके रिस्पेक्ट में। सो दो फैक्टर है एक टेम्परेचर हाई होने से हमारा एन इंक्रीज होगा और हमारा बैंड गैप कम होने से भी एन इंक्रीज होगा, जितना कम बैंड गैप उतना ज्यादा एन होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, आउट ऑफ प्योर एलिमेंट, जो प्योर एलिमेंट है उनमें से हम लोग जनरली सेमी कंडक्टिंग बिहेवियर के लिए जो यूज करते हैं वो है सिलिकन एंड जर्मेनियम, इन दोनों को यूज करते हैं। तो आउट ऑफ प्योर एलिमेंट्स ओनली टू एलिमेंट्स, नेमली सिलिकन जिसका कि बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम जिसका बैंड गैप होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बिहेव करता है एज सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर में से बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जो सेमीकंडक्टिंग बिहेवियर, दैट इज बिहेवियर इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर शो करते हैं। ठीक है, हाउएवर कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सेमीकंडक्टिंग लाइक कैडमियम एस और गैलियम आर्सेनाइड, ये सब भी दिखाते हैं सेमीकंडक्टिंग बिहेवियर, आल्सो बिहेव एज सेमीकंडक्टर्स। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड पॉलीमर्स टू एग्जिबिट द सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं कुछ जो हमारा सेमीकंडक्टर बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखने हैं, सिलिकन एंड जर्मेनियम ये दो चीज आपको याद रखने हैं। सिलिकन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप है और यहाँ 0.72 का बैंड गैप है जर्मेनियम में। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये दो का मेन ध्यान रखने हैं और उन दोनों में भी सबसे ज्यादा हम लोग किसको पढ़ते हैं भाई, तो सिलिकन के लिए पढ़ते हैं, तो सिलिकन को हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चले। सिलिकन एंड जर्मेनियम के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे कि सिलिकन एंड जर्मेनियम के लिए और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सच दैट कि इस पे अगर चोर पूछे तो हम लोग बता पाएं। तो सिलिकन एंड जर्मेनियम आर प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल एंड आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था कि इसका दूसरा नाम, प्योर सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स आर टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट है, इट मींस देयर विल बी फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनमें होंगे, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम होंगे। ठीक है, इन इट्स क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर, जब क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर इनके हैं, एवरी एटम शेयर्स वन ऑफ इट्स फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एवरी एटम शेयर्स वन ऑफ इट्स फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एवरी एटम shares one of its four valence electron with each of its four nearest neighbor. किसके साथ sharing करता है ये? Each of four nearest जो हमारे neighbor होते हैं, उनसे share करता है. And also to take share of, also take share of one electron from each such neighbor. और ये ऐसे ऐसे चारों neighbor से एक एक share लेता भी है electron का. And these shared electrons
फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दस एवरी एटम क्लेम टू हैव कंप्लीट ऑक्टेट, एवरी एटम क्या क्लेम करता है भाई कि हमने तो भाई अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, एंड कंसिक्वेंटली द मटेरियल बिहेव्स एज 100% इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट जीरो। यही अभी डायग्राम मैंने दिखाया था भाई कि सारे के सारे क्या है इस तरह से ऑक्टेट पूरा किए हुए हैं और इस तरह से ये हमारा 100% क्या बन गया इंसुलेटर बन गया, क्योंकि कोई फ्री है ही नहीं, कोई फ्री है ही नहीं तो ये इंसुलेटर बन गया। अभी हम लोगों ने डिस्कस जो किया था वही है। हाउएवर एट एनी फाइनाइट टेम्परेचर, एट एनी फाइनाइट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाए, रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा पे आ जाए, ड्यू टू थर्मल एनर्जी सम इलेक्ट्रॉन मे ब्रेक अवे क्रिएटिंग वैकेंसी। ब्रेक करेंगे भाई, इधर से हम लोग ब्रेक अवे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो इट विल ब्रेक अवे एंड क्रिएटिंग वैकेंसी इन द बॉन्ड, बॉन्ड में एक वैकेंसी क्रिएट कर देंगे। दिस वैकेंसी विद एन इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, विद एन इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड ए होल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक होल बोलते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है सबको पता है। दस इक्वल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रेजेंट हो जाएंगे, किस में भाई तो प्योर सेमीकंडक्टर मींस इंट्रिंसिक, प्योर सेमीकंडक्टर मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये जरूर 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 फॉलो होगा। यही तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आपने नोट भी किया था, अब नोट ना करो तो ये तो गलती बात है, तो बिल्कुल गलत बात है, आपको खुद नोट करने चाहिए, साथ साथ चलते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है यहाँ तक समझ गए। प्योर सेमीकंडक्टर है और ये जीरो केल्विन पे है तो बिल्कुल इंसुलेटर है, और अगर ये टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा ये स्लाइटली दिखाएगा कंडक्टिविटी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोला, प्योर वाले को बोला, इंट्रिंसिक किसको बोला भाई प्योर सेमीकंडक्टर को, और एक्सट्रिंसिक किसको बोलते हैं जिसमें कि हम लोगों ने इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा इसको डिस्कस करेंगे कि डोपिंग कैसे, पी टैग कैसे बना, एन टैग कैसे बना, उनसे किस तरह से बैंड डायग्राम, वो भी डिटेल देखेंगे, आज तो उतना नहीं देख सकते, आज बस हम लोग इसका एलिमेंट्री आइडिया समझे। प्योर सेमीकंडक्टर मींस ऑल क्रिस्टलिन, जो भी हमारा ये लैटिस पॉइंट है इसमें सारे के सारे हमारा सिलिकन है तो सिलिकन ही है तो वो प्योर होता है, और इसको हम लोग इंट्रिंसिक बोलते थे। और कभी ऐसा हुआ कि हमने डोपिंग किया, डोपिंग मींस इम्प्योरिटी एडिशन, इम्प्योरिटी एडिशन किया, मान लो हमने फास्फोरस से डोपिंग कर दिया तो क्या होगा, ये क्रिस्टल में से बहुत जगह तो भाई सिलिकन सिलिकन ही सिलिकन ही थे, जब प्योर था तो क्या था सारे के सारे सिलिकन थे, सारे के सारे क्या थे भाई तो सिलिकन ही थे, सारे के सारे सिलिकन थे। लेकिन जब इसको हमने डोपिंग किया फास्फोरस से, डोपिंग किया तो ये क्या करेगा भाई, तो ये किसी सिलिकन को यहाँ से हटा देगा और खुद यहाँ पे फास्फोरस बन जाएगा, खुद क्या बन जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आया ये फास्फोरस बन गया, बाकी तो सिलिकन जैसे थे जैसे हैं, सिलिकन जैसे थे वैसे है। यहाँ से फास्फोरस से हमने डोपिंग कराया तो यहाँ पे फास्फोरस आ गया बीच में, यहाँ पे मान लो कहीं से यहाँ से भी फास्फोरस आ गया, जब डोपिंग बम्बार्डिंग करा दिए समझो फास्फोरस से तो क्या हुआ, या फ्यूजन करा दिए तो कहीं कहीं लैटिस पॉइंट पे फास्फोरस जाकर के फंस गया, तो ये क्या हो गया इम्प्योरिटी आ गया इसमें, तो ये जो प्योर हमारा ये जो बना हमारा वो अब प्योर नहीं रहा, वो क्या हो गया डोप्ड हो गया, क्या हो गया ये डोप्ड हो गया, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या बोलते हैं इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोले या डोप्ड सेमीकंडक्टर बोले एक ही बात है, डोप्ड है क्योंकि इसमें डोपिंग किया गया है, डोपिंग मींस एडिंग इम्प्योरिटी, हमने क्या किया इसको डोपिंग कराया फास्फोरस से या अल्मोनियम से, किसी से डोपिंग कराओगे तो यहाँ वहाँ क्रिस्टल में कहीं 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 वो सिलिकन को उड़ा देगा और खुद वहाँ पे स्पेस लैटिस पॉइंट पे उस पे ऑक्युपाई कर लेगा, इसलिए जहाँ तहाँ यहाँ पे मत पूछो कहाँ का, कुछ जगह पे ये सिलिकन को हटा करके यानी प्योर वाले एटम को हटा करके और खुद ऑक्युपाई कर लेगा, तो ऐसे को बोलते हैं डोप्ड या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक क्लियर है, ये जरा पढ़ लिया जाए इसको, इसको पढ़ लिया जाए। ऑन अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं अक्रॉस ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो यहाँ कंडक्शन की बात, तो कंडक्शन की बात हम लोग करंट की बात हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि करंट कैसे कंस्टिट्यूट होगा, करंट की बात देखेंगे, अभी तो ये समझ गए कि इंट्रिंसिक क्या हुआ एक्सट्रिंसिक क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक में
डोपिंग करते हैं, और यही डोपिंग करने से, ध्यान देना, ये डोपिंग करने से यानी कि इम्प्योरिटी ऐड करने से ही हमारा दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। कौन कौन भाई? तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, और यही हमारा बनेगा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कि व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो कैसे किस टाइप से डोपिंग कराएंगे कि बन जाएगा, उनका बैंड डायग्राम क्या होगा, और इसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कब होगा, किस तरह के इंप्योरिटी डोप करेंगे, और कैसे ये इनके बैंड डायग्राम से ये बता पाएंगे कि एन टाइप है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, ये सब समझेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।